हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हमारे बीच समाज सेवी, धर्म प्रेमी, लोगों की सेवा करने वाले हमारे बीच है मनोज भाई। पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। हाँ राजू भाई, हमारे प्रिय मित्र राजू भाई एकता समाचार का यहाँ पे हमारे निवास पे पधारे हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर आपको सम्मान मिला है, इसके लिए पूरे क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आपको उपखंड पे सम्मान हुआ है, तो बताइए सम्मान मिला है तो आपको कैसा लग रहा है? राजू भाई, ये सम्मान पब्लिक ने मुझे दिया है और मेरे काम अच्छे देखे पब्लिक ने, और सरकार ने भी मेरा काम अच्छा देखा, और मेरे ये थोड़ा ये मंदिरों में, मस्जिदों में, स्कूलों में, सभी जगह पर मेरा ये योगदान करता रहता हूँ, दान पुण्य करता रहता हूँ छोटा मोटा, इससे सभी लोग खुश हो के मुझे इस सम्मान दिया है सरकार ने, इसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र हूँ। गलियाकोट उपखंड से मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए SDM साहब, सभी सरकारी कर्मचारियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद का पात्र देता हूं सर, और सभी को मैं धन्यवाद। सर हमें जानकारी मिली है कि आपके पास काफ़ी समाज सेवी के पद है, राजनीतिक पद है, और यहां प्रशासन ने भी आपको बहुत सारे पद दे रखे हैं, तो बताइए आपके पद के बारे में, बताइए क्या क्या पद है आपके पास? मैं सर शांति, जिला शांति समिति सदस्य का दिया है मुझे, और उसमें मैं क्या है समाज सेवा का काम करता रहता हूँ इस क्षेत्र का, और शांति समिति की बैठक आए दिन होती रहती है, तो वहाँ पे डूंगरपुर ज़िले में जाके इस क्षेत्र में शांति कायम रखने का मुहिम में सहमत रहता हूँ, और मेरा यही दुआ है कि हमारे क्षेत्र में शांति बनाए रखे और सभी से प्रेम भाव मोहब्बत सद्भावना, सभी से भाईचारा, सबसे मिलजुल के मिल के रहें, वही मेरी मुहिम है उसका। और तो पद तो मैं जैसे एंटी करप्शन में भी, मुझे पहले सचिव, प्रदेश सचिव था, अभी वेजिलेशन ऑफिसर बनाया सर मुझे, जयपुर से आदेश आया कि आप इस क्षेत्र में भ्रष्ट लोगों से निगाह रखते हो, भ्रष्ट लोगों का को भ्रष्टाचार करने नहीं देते हो, यहाँ पे कोई किस्म अत्याचार नहीं होता है, यहाँ पे बहुत बढ़िया है इस क्षेत्र में, इसलिए हम इस मुहिम में समय को, और इस मुहिम में हमेशा भाग लेता रहता हूँ, और यहाँ पे ऐसा कोई गलत काम होता नहीं है, मैं इस चीज़ पे कायम रहता हूँ। पहले तो क्या है कि हमारे गलियाकोट में सभी तुम भाईचारा से रहती है, और हमारे गलियाकोट में माँ शीतला अम्मा का मंदिर है, और बाबा फखरुद्दीन की दरगाह है, और छोटे बड़े मोहम्मदन समाज की भी दरगाह है, और सभी मिलजुल के एकता से रहते हैं, भाईचारा एकता की मिसाल देखनी हो तो गलियाकोट में साहब, हमारा गलियाकोट एक ऐतिहासिक शहर है कि वहाँ एकता नहीं देखी हो तो गलियाकोट आके देखो, बहुत बढ़िया प्रेम भाव मोहब्बत सब मिलजुल के रहते हैं, और हमारे यहाँ कोई दंगे फसाद ये वगैरह कुछ भी कुछ नहीं होता है, तो सब मिलजुल के रहते हैं। और दूसरी बात के यहाँ चंद्रयान में 3 में हुआ है, उसमें बहुत बहुत बधाई मोदी जी को, मैं बहुत बहुत बधाई, और यहाँ पे उनका जो वैज्ञानिक हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ दिल से, और हमारा भारत एक नंबर पे है और वर्ल्ड में एक नंबर है ये भारत, और बहुत बढ़िया हमारे भारत का एक बहुत बड़ा नाम है, इस चंद्रयान में वो झंडा लहराया, और बहुत सभी को बहुत बधाई है भाई। अभी ये चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में कोई भ्रष्ट नेता नहीं होना चाहिए, चुनाव में अच्छे नेता चुने, जो भी पार्टी, सभी पार्टियों वालों से मेरा निवेदन है कि अपने एक अच्छे नेता चुन के सभी कुंभ को साथ में लेके चले ऐसे नेता, और सबको मिलजुल के और अच्छा काम करें, यहाँ क्षेत्र में सभी जिले में सभी नेता MLA अच्छे
चुने ताकि सभी को एक जो लेके साथ लेके चले और एकता की मिसाइल इस डूंगरपुर क्षेत्र में मिले और सभी काम है ने इस क्षेत्र में दिल से करे और सभी का दुख दर्द देखे और वही अच्छा नेता देख के चुने, मेरी यही मांग है। सर, गरीब की सेवा आप करते हो, सभी के काम कोई भी काम आपके पास लेके आता है उसके पूरे करते हो, या कानूनी कार्रवाई हो कि का काम हो या किसी का कोई भी काम हो तो उसके लिए आपको कैसा कैसा लगता सर यह काम आप करते हो? तो करना पड़े और समाज सेवा में सब मैं ठेठ से मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो मेरा तो काम यही है समाज सेवा का और मैं हमेशा यही समाज सेवा को दिल से करता हूँ और सभी का काम निकाल देता हूँ और सभी को भाईचारा से प्रेम से सभी को काम में हमेशा सारिक रहता हूँ सर मैं। मनोज जी, अभी एक मांग चल रही है सागवाड़ा जिला बनाया जाए, सभी की मांग है, तो आपकी क्या राय इसमें? सर, ये सागवाड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारे डूंगरपुर जिला बहुत लंबा पड़ता है और यह सागवाड़ा क्षेत्र में लंबा क्षेत्र है तो सागवाड़ा सभी नेता लोगों से सभी मुख्यमंत्री महोदय से भी मुझे निवेदन है कि सागवाड़ा को जिला बनाने में मदद करनी है। सभी मिलजुल के पार्टी में इस चीज़ों में पार्टी को नहीं देखना है सर, इसमें सभी कंधे से कंधा मिला के सागवाड़ा को जिला बनाने के मुहिम में सभी की मदद चाहिए और सबको मिलजुल के सागवाड़ा को जिला बनाना है और सब मिलके मेरा समाज से ही मनोज सामरिया से का निवेदन है सभी नेता लोगों को सागवाड़ा को जिला जल्द से जल्द जिला बनाने का मुख्यमंत्री महोदय को मैं निवेदन करता हूँ और छोटे मोटे सभी इस राजस्थान के मंत्री महोदय सभी नेता लोग को मेरा निवेदन है कि सागवाड़ा को जिला बनाना है और बनाना सबको इसमें सबको सम्मत होने चाहिए। बहुत बहुत ये थे हमारे बीच समाज सेवी धर्म प्रेमी सभी कौम को 36 कौम को साथ लेके चलने वाले समाज सेवी मनोज जी समरिया। एकता समाचार की तरफ से आपका आपको जो सम्मान मिला है और आपने जो मांग की है इसके लिए आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।